समस्या यही है कि 4 महीना से प्रसार बंद होने के कारण बच्चे सब नहीं आ पाते हैं। क्या आप बच्चे को बुलाते हैं पढ़ने के लिए? जी बुलाते हैं तो मैं माँ सब बोलती हूँ कि खाना नहीं मिलता है तो किस लिए भेजे थे। तो आपको कैसा लगता है? क्या बुरा लगता है? बाहर से कोई जाँच आता है फिर बोलना पड़ता है, खाना नहीं मिलता है, अंडा नहीं मिलता है, कहाँ पे आंगनबाड़ी कब से? 4 महीना। मैं कुछ समुदाय के साथ CDPO के पास प्रखंड में आई तो प्रखंड में CDPO नहीं थी ऑफिस में। फिर मैंने वहाँ जो सर थे उनसे बात किए और उनका नंबर लिए तो उन्होंने आश्वासन दिए कि बहुत जल्द ही आवंटन आ जाएंगे और हम आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार का आवंटन देंगे। तो इस तरह से फ़ोन पर बात करते रहे लगातार CDPO से, उन्होंने आवंटन दिए और पोषाहार मिलने लगा, आंगनबाड़ी केंद्र में बनने लगा और बच्चे भी आने लगे। क्या समस्या थी? क्या पोषाहार हम लोग को महीने नहीं मिला जाता था और इस कारण से बच्चे लोग नहीं आते थे, खाना नहीं मिलने के कारण उसकी माँ नहीं भेजती थी। हाँ तो अब क्या हुआ? अब तो परिवर्तन आया है, समुदाय के साथ मिलकर गए पदाधिकारी के पास, के पास तो प्रभाव आया है। किसने मदद की है? समुदाय ने आपने। पहले समस्या था कि बच्चा खाना नहीं मिलता था इसलिए बच्चे भेजते थे, नहीं जाता था बच्चा पढ़ने के लिए। कितने दिन से नहीं मिलता था? 4 महीना से। हाँ तो फिर क्या हुआ? आप आए तो वीडियो बना के ले गए तो अब बच्चा को 10 दिन से खाना मिलता है। तो फिर कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा है। बच्चे को भेज रहे हैं, क्या सब मिलता है खाना में बच्चे को? खाना मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, अंडा भी देता है। इस तरह से मैंने इस समस्या का बदलाव लाई। मैं नबीता, गांव सादलपुर, जिला कटिहार, बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।